हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिशी लाला से इमर्जिंग मिट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत मतलब बहुत बच्चों ने एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को अभी भी मन में है, अभी तक वो है ना मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। यूपी में एक नोटिस निकला था सीट लीविंग बॉन्ड का, सीट लीविंग बॉन्ड फॉर MBBS BDS, उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे बच्चे, जो ऐसे बच्चे हैं जो पार्शल ड्रॉप लेना चाहते हैं, आयुष कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या BDS में या वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं और पार्शल ड्रॉप करना चाहते हैं, उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि हम अगले साल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे MBBS के लिए। इस तरीके का बहुत सारे बच्चों के ये क्वेरी है और अभी तक जो है ये क्वेरी चल ही रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा था आप लोग का समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि MBBS और BDS के लिए, पहले आपको बता देते हैं ये है क्या। मतलब देखो, ऐसा होता है क्या कि जो लोग BDS कॉलेज में एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, वो वापस से नीट का एग्ज़ाम तैयारी करता है, नीट का एग्ज़ाम वापस से देता है और उसका नीट में हो जाता है, तो BDS कॉलेज को मतलब सेकेंड ईयर में छोड़ देता है और MBBS कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिलता है, लोअर रैंक पे लोअर कॉलेज मिलता है, उसको वहाँ पे मन दिल नहीं लगता है। ठीक है, अगर मान लो मतलब फर्स्ट ही अटैम्प्ट में उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और वो सपना देख रहा है कि हम एम्स दिल्ली में जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब होते हैं बच्चे जो वापस से मतलब तैयारी करते हैं और उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एम्स वगैरह मिल जाएगा, तो वो MBBS कॉलेज को छोड़ करके फिर एम्स ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए खास करके ये रूल आया है कि अब ऐसे केस में जो लोग भी MBBS या BDS कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लियो या प्राइवेट में एडमिशन ले लिए हो आप, और लेने के बाद जो है अगर वापस एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद आपका हो जाता है MBBS में अच्छा रैंक, उसको कॉलेज को छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं होंगे, और जो अगले साल का जो शैक्षणिक सेशन है मतलब उसमें लिखा हुआ है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये यूपी के लिए है, बस यूपी के बच्चों के लिए जो 85% कोटा से बिलोंग करते हैं यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अगर MBBS या BDS कोर्स में एडमिशन ले लेते हो आप, तो ऐसा मान के चलो वो आपका परमानेंट हो गया, अब आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते। BDS कोर्स में एडमिशन लेकर के सोच रहे हो कि पार्शल ड्रॉप हम करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आयुष कोर्स और वेटनरी के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है लिस्ट में, अगर आयुष कोर्स के लिए मेंशन रहता या वेटनरी के लिए मेंशन रहता कि ये लोग भी अगर एडमिशन ले मतलब किसी मतलब वेटनरी में या आयुष कोर्स में आप एडमिशन ले लिए हो और पार्सल ड्रॉप करते हो जाता है, ठीक है, तो आप नहीं छोड़ के जा सकते, ऐसा कुछ लिखा होता वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आयुष कोर्स के लिए लिखा रहता कि आयुष डॉक्टर भी, ठीक है, BMS डॉक्टर भी, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ऐसा लिखा रहता, या वेटनरी का लिखा रहता पशु चिकित्सक, बट ऐसा कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, ऐसा कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, इसीलिए आयुष कोर्स वाले और वेटनरी कोर्स वाले डरो नहीं। अगर आप आयुष कोर्स BMS BHMS BUMS लेते हो यूपी स्टेट से, नीट के ही थ्रू मिलता है, तो अगर लेते हो और पार्सल ड्रॉप करना चाहते हो, वापस नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप बिल्कुल MBBS के लिए एलिजिबल रहोगे, एग्ज़ाम दे सकते हो और आप वहाँ पे मतलब एडमिशन भी ले सकते हो। सेम ऐसा ही वेटनरी के लिए भी है, वेटनरी के लिए भी ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, वेटनरी भी अगर आप करते हो, अगर आपका हो जाता है MBBS वगैरह में हो जाता है, तो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो। अभी तक ऐसा रूल रेगुलेशन MBBS में मतलब वेटनरी और आयुष कोर्स के लिए नहीं है, ये बस MBBS और BDS के लिए, उन्हीं के लिए था, बस आयुष कोर्स और वेटनरी इन लोगों के लिए नहीं है। हो सकता है आगे इन फ्यूचर आए ऐसा रूल रेगुलेशन, बट अभी जो नोटिस आया था उस नोटिस में ऐसा कुछ भी क्लियर मेंशन नहीं, इसलिए आपको घबराने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूपी के बच्चों के लिए खास करके बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अगर आयुष कोर्स या वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पार्सल ड्रॉप कर सकते हो, वापस अगर नीट में हो जाता है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, जा सकते हो, छोड़ करके जा सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेरी था आपको वो समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।